नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर समय जगत की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सवर्ण समाज ने मनाया 25वां स्थापना दिवस। गुजराती भवन में सवर्ण समाज का स्थापना दिवस महासम्मेलन के रूप में मनाया गया। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान नवीन पदाधिकारियों को शपथ भी दिलवाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी इस बार प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। फिलहाल 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, बाकी उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी द्वारा जल्द की जाएगी। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव समेत अन्य प्रदेशों से सैकड़ों लोग शामिल हुए। समय जगत के लिए भोपाल से केके शर्मा की रिपोर्ट। क्या क्या आपकी रणनीति तैयार हुई है आगे योजना के लिए? आज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन सवर्ण समाज पार्टी द्वारा किया गया है, तो उसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक अध्यक्ष होने के नाते अभी मैंने रायशुमारी की है। हमारे जिलों के जो जिलाध्यक्ष आए हैं और अभी लगभग 70 सीटों का हम मन बना रहे हैं और अभी हमें 30 सितंबर तक पूरी रायशुमारी अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष तो करेंगे। और प्रयास ये रहेगा कि मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी मैदान में उतारें। और इसके लिए हमने एक अपना रोड मैप भी तैयार किया है, जिसके तहत अभी 15 सितंबर के बाद हम लोग हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव जी और मैं स्वयं मोहन चतुर्वेदी प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के अंदर दौरे लेंगे और वहाँ आम सभाएँ करेंगे और लोगों को पार्टी के मैनिफेस्टो से अवगत कराएंगे। और दूसरी चीज़, जो दूसरी पार्टी है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसका जो चेहरा लोगों को बताएंगे कि किस तरह मध्य प्रदेश में इस समय भ्रष्टाचार, बलात्कार, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और उद्योग धंधे जो है वो ठप होने के कारण लगभग 40% उद्योग धंधे इनकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण बंद हो गए हैं। बंद होने की निरंतर प्रक्रिया जारी है, तो हम इनका जो चेहरा है, जो वास्तविक चेहरा है सत्तारूढ़ दल का, उसको उजागर करेंगे। और इन्हीं सभी दूसरा हम जातिगत आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट, पदोन्नति में आरक्षण, इन सब का भी हम प्रबल विरोध करते हैं और इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में विधानसभा चुनाव में। अभी कल एक कांग्रेस प्रवक्ता ने बयान दिया है कि मैं सोड़ों की नाराजगी दूर करूंगा, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ एक लॉलीपॉप बताने की बात है। उनका चेहरा, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ये विधेयक लाया गया संसद में, उस समय 545 सांसदों में से एक ने भी विरोध नहीं किया। अब ये जनता को मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। इनका चेहरा तो प्रमाणित हो गया, जनता जान चुकी है, सवर्ण जाग चुका है और इनके अब बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाला है और नतीजे आपको खुद मिल जाएंगे। क्या आप एसटीडी एक्ट के खिलाफ क्या आप कोर्ट की शरण लेंगे? देखिए, ऐसा है, याचिका वगैरह दायर, देखिए याचिका ऑलरेडी दायर हो चुकी है और चूंकि अब याचिकाओं की बाढ़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जैसे कि 13 जजेस की जो पीठ होती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, अब मामला जहां तक वहीं जाएगा, क्योंकि विधेयक पारित होने के बाद जो 13 सदस्यीय दल, उसके लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन ऑलरेडी दायर की हुई है। और हम ये देख अनुभव कर रहे हैं कि कितना भी सड़क पर आंदोलन कर लो, कुछ भी विरोध कर लो, जब तक हम अपने नुमाइंदे संसद में और विधानसभा में पहुँचाएंगे, तब तक प्रभावी ढंग से हम अपनी बात को नहीं मनवा सकते। इसीलिए हमने रास्ता ही सुना है, हमें जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, हमारी सवर्ण समाज पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अभी आगामी विधानसभा लोकसभा चुनाव नज़र, उसी के तहत हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।